पाप का तांडव फिर से उठा, जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो कापे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। आपके पापों की संख्या 93,140 तक पहुंच गई है। काल का ब्रह्मास्त्र हासिल करने के लिए मुझे कुल 1,00,000 पाप करने हैं। 1,00,000। अब ये अजय योद्धा तुम्हारी तरफ से जूनियर जी से टक्कर लेगा। मुझे गौरव राय से बात करनी है। और अब आगे बोलिए। गौरव राय यहीं रहता है? आप कौन? पहले आप मुझे ये बताइए, गौरव राय यहीं रहता है क्या? देखिए, जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। एक मिनट रुकिए। देखिए, मेरा एक हाथ खतरे की घंटी पर है, अगर एक सेकंड में आपने अपना पैर नहीं हटाया तो ये घंटी मैं बजा दूंगी और फिर अपने अंजाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। देखिए, आप तो मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो यहाँ एक प्राइज डिलीवर करने आया था। उसने कॉन्टेस्ट में एक प्राइज जीता है। अच्छा, प्राइज? अरे आप बाहर क्यों खड़े, आइए अंदर, आइए 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 अंदर, आइए आइए। आप यहाँ 2 मिनट रुकिए, मैं गौरव को अभी बुला के लाती हूँ। प्रतीक बेटा, प्रतीक क्यों हुआ मम्मी? बेटा, कुरियर वाला आया है और किसी गौरव राय लड़के के लिए प्राइस लेकर आया है। गलती से हमारे घर आ गया है। देख, तू उससे कहना कि तू ही गौरव राय है, वो प्राइस तुम्हें मिल जाएगा। मुझे मिल जाएगा? देख, डरना मत। हाँ। चल चल, हाँ, चल। आ चल। ये है गौरव राय, दीजिए इसका प्राइस। तुम्हारा इनाम गौरव राय है? और नहीं तो क्या। तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल में। वेरी गुड, वो तो बहुत ही अच्छा स्कूल है। जरा मुझे अपना आई कार्ड तो दिखाओ। बिलाया, रुक जा प्रतीक। अरे आई मीन गौरव, कोई जरूरत नहीं आई कार्ड दिखाने की। देखिए,
हम आपके पास प्राइज लेने नहीं गए थे, आप आए थे हमारे पास। आप अपनी ये नाटकबाजी बंद कीजिए, जल्दी से हमारा प्राइज दीजिए और यहाँ से चलते बनिए। मुझे लगता है कि ये कोई दूसरा गौर हो रहा है, ये प्राइज इसका नहीं है। कैसे नहीं है? अगर हमारा प्राइज नहीं होता तो आप यहाँ क्यों आते? चलिए चलिए, निकालिए हमारा प्राइज। इस औरत ने मुझे धोखा देने की कोशिश की, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? मैं तो बस कंफर्म करना चाहता था कि ये सही बच्चा है या नहीं। ये लीजिए अपना प्राइज। क्या चुमा है आपने? मम्मी, ये क्या हो रहा है आपको? मम्मी, मम्मी! मम्मी, मुर्गी! चकाट। इन घटनाओं से मुंबई के नागरिक और पुलिस दोनों ही खासे परेशान हैं। पहली घटना कल रात मुंबई के गोरेगांव इलाके में हुई थी, जहां दो युवकों की गाड़ी किसी की बॉडी को क्रॉस करती हुई चली गई और चश्मदीद गवाह इस बारे में जो कहानी हेलो हेलो हाँ गौरव, मैं शैली बोल रही हूँ। गौरव जल्दी से टीवी ऑन करो। और क्यों, क्या बात है? गौरव तुम टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से टीवी ऑन करो। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। मैं रात को उधर से जा रहा था, तभी जोर जोर से हवा चलनी शुरू हो गई और उस हवा में से अचानक एक दानव पर कट हुआ, आधा आदमी आधा मशीन। मेरी तो हालत खराब हो गई। क्या आप मुझे बताएंगे कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? हाँ हाँ बताता हूँ। उसके बाद एक गाड़ी आई और वो गाड़ी दानव के अंदर से आर पार कर गई। दानव को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी तो हालत खराब हो गई। उसी दिन से मैंने दारू पीना छोड़ दिया। लेकिन ये कहानी अगर विश्वास के परे लगती है तो इतनी ही अजीब है मलाड की श्रीमती आशा राय की कहानी, जो उनके बेटे सुनाते हैं। वो भी आज सुबह से गायब हैं। उस आदमी ने मेरी मम्मी को टच किया और फिर मम्मी छोटी होती गई और फिर मम्मी मुर्गी बन गए। अच्छा अच्छा बेटा, तुम रो मत, प्लीज चुप हो जाओ। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारी मम्मी को किसने गायब कर दिया, मेरा मतलब किसने मुर्गी बना दिया? वो कोई कुरियर वाला था, उसने बताया कि कोई गौरव राय के लिए प्राइज है, उसी को देने आया था। इन दो अलग अलग घटनाओं में एक कुरियर डिलीवरी मैन का शामिल होना पता नहीं महज एक संयोग है या कुछ और, लेकिन ऐसा ही एक कुरियर डिलीवरी मैन अंधेरी के उस इलाके में पाया गया जहां पे आज सुबह से श्रीमती वर्षा राय गायब हैं। क्या ये भी महज एक संयोग है कि गायब होने वाली दोनों महिलाओं का सरनेम राय था? जहां ये सब सवाल जवाबों का मुंह ताक रहे हैं, वहीं मूवर्स एंड पैकर्स नाम के कुरियर कंपनी ने अपने एक डिलीवरी मैन के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई है। क्या ये वही डिलीवरी मैन है जो ये सारी वारदातें कर रहा है? मुंबई की जनता शिद्दत से इन सब सवालों के जवाबों के इंतजार में है। प्रधानमंत्री अपने विदेशी दौरे पर जाने से पहले हेलो गौरव, तुमने सुना? वो तुम्हारा नाम पूछ रहा था। हाँ मैंने सुना, लेकिन तुम चिंता मत करना, कल स्कूल जाने के टाइम हम लोग इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है गौरव, मगर तुम अपना ख्याल रखना। शैली तुम चिंता मत करो, बाय बाय। लड़का कह रहा था कि वो कुरियर वाला गौरव राय के लिए कोई प्राइज लाया था। अरे गौरव, तेरा भी तो पूरा नाम गौरव राय है, कहीं वो प्राइज तेरे लिए तो नहीं लाया था?
अबे मोटे, इसमें पूछने की क्या बात है? वो प्राइस जरूर गौरव के लिए ही होगा। अरे फिर तू जाके अपना प्राइस लेता क्यों नहीं? अबे मोटे, तू जो है ना वही का वही रहेगा। जो है वही रहेगा मतलब क्या? मैं पागल हूँ, मैं गधा हूँ, मैं उल्लू हूँ, मैं बंदर हूँ, हाँ? कितनी अच्छी तरह समझता है अपने आप को। इडियट, तुझे ये नहीं मालूम कि गौरव ही जूनियर जी है? हाँ मालूम है। तो यही कि वो आदमी जरूर फ्यूमांचो का भेजा हुआ है और वो गौरव को इसलिए ढूंढ रहा है ताकि वो उसे फ्यूमांचो के सामने पेश कर सके, या तो फिर खुद गौरव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सके। अरे हाँ गौरव, फिर तो तुझे बच के रहना चाहिए। सही कह रहा तू, इसलिए तो मैं अपना प्राइस कलेक्ट करने नहीं गया। लेकिन अब तू करेगा क्या? तू खुद तो उसके सामने जाएगा नहीं, लेकिन आज नहीं तो कल वो तुझे ढूंढ ही लेगा। मैं क्या करूंगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब कोई अपने पीछे पड़ जाए तो उसका मुकाबला करना ही होता है। खैर चलो। सोच रहे हो अपने दिमाग पे जोर क्यों डाल रहे हो? अरे ये लो चॉकलेट खाओ ना। ए मोंटी, हम लोग वैसे भी बहुत परेशान हैं, अब तो हमें तंग मत करा। वैसे भी हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा। ये तो कह रहा हूँ चॉकलेट खाओ, इससे ना दिमाग तेज चलता है। रख इसे अंदर, रख इसे अंदर, रख। गौरव, मुझे लगता है उस आदमी से तुम्हारी रक्षा करने का अब एक ही रास्ता बचा है। क्या? वाह, आदमी जब तक यहाँ पर है तब तक के लिए तुम हम तीनों को हमारी पावर्स दे दो, ताकि अगर वो तुम तक पहुँच भी गया तो हम तुम्हारी हेल्प कर सके। हाँ ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, हम चारों मिलकर उस आदमी से आसानी से मुकाबला कर सकेंगे। अरे नहीं, तुम सब कुछ गलत सोच रहे हो। अरे वो क्यों? तुम शायद भूल गए कि प्रोफेसर बर्नांडो ने मुझे तुम सबकी शक्तियाँ वापस क्यों दिलाई थी। उन्होंने कहा था कि भविष्य की शक्तियों का सामना करने के लिए मुझे इन शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। अब जब वो शक्ति यहाँ पहुँच गई है, अगर मैंने तुम सबकी शक्तियाँ तुम्हें वापस दे दी तो मैं उसका मुकाबला कैसे करूँगा? अब तुम सब 24 घंटे मेरे साथ नहीं रह सकते ना। वो आदमी कहाँ किस वक्त मुझ तक आ पहुँचे ये किसी को नहीं पता। अगर उस समय तुम लोग मेरे साथ नहीं हुए तो मेरी मदद कैसे करोगे बताओ? अरे हाँ यार, बात तो तेरी सही है। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा क्लास का टाइम होने वाला है, चलना है या नहीं? ऑफ कोर्स चलेंगे ना, चलो। अरे रुको रुको रुको, अब तुम सब ना ध्यान रखना, अपने आसपास देखते रहना कहीं वो आदमी यही तो नहीं। चलो चलो।
आजा आजा उठ जा उठ जा। गौरव गौरव बच्चा नीचे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? वो मैं ना वीडियो गेम उठा रहा था। वीडियो गेम? कौन सा वीडियो गेम? वहां देख लो। नहीं वो वीडियो गेम मेरा है। मैंने उसे पहले देखा। मैं लूं कौन से? आपका है तो उठा लो। वीडियो गेम वीडियो गेम वीडियो गेम वीडियो गेम वीडियो गेम। System code for what is hard. 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 यही वो लड़का है जिसकी मुझे तलाश है, लेकिन अगर मैं इस समय इसके पीछे गया तो स्कूल में हंगामा हो जाएगा और हो सकता है कि इस हंगामे में ये लड़का मेरे हाथ से निकल जाए। मुझे स्कूल के बाहर वेट करना चाहिए ताकि जब ये बाहर आए तो मैं इसे पकड़ सकूं। वीडियो गेम वीडियो गेम वीडियो गेम वीडियो गेम वीडियो गेम। अगर मैं किसी खुली जगह में फंस गया तो मुझे फौरन पकड़ लेगा।
कातिल केएलआर और जूनियर जी की रोमांचक टक्कर के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी। जूनियर जी।